इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इंदिरा जली साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तुमने बुलाया ना कभी, इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप और कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अफसोसनाक खबर लेकर हाजिर आया हूं। वो खबर यह है दोस्तों कि मुंबई में जो रैली निकाला गया था जिसमें इम्तियाज जलील साहब भी शामिल थे और वारिस पठान साहब भी शामिल थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ मुसलमान इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह डाली है, लेकिन वो बात क्या है आज इस वीडियो में सुनेंगे मारूफ भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाएं। अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्तियाज जलील साहब हो या कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो तूने बुलाया ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। इम्तियाज जलील साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, इसके बाद अगर कभी भी आप और कभी भी आप अगर कभी भी बुलाने की कोशिश करेंगे, आप आइए, इसके बाद कोई नहीं आएगा आपको, सब सब नाराज। ऐसा नहीं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कैसी कैसी सोच है लोगों की आज के इस दौर में और ऐसे माहौल में। ये जो काम किया इम्तियाज जलील साहब ने, ये जो कदम उठाया, ये जो इतनी बड़ी रैली निकाली गई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई जो काफिला पहुंचा जिसको तिरंगा रैली का नाम दिया गया, ये जो कदम उठाया इम्तियाज जलील साहब ने, इस काम को करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, बल्कि बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया इम्तियाज जलील साहब ने ये। और वो जिनके पीछे हजारों लाखों मुरीदों का काफिला रहता है, वो तो बैठे हैं अपनी खानकाहों में, लेकिन एक ऐसा मर्द कलंदर निकला जिसने आका की नामुसे रिसालत के लिए आवाज बुलंद की। शुरू में तो थोड़े लोग थे, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला बढ़ता गया और ये मान के चले आप लाखों करोड़ों लोग जमा हुए थे वहां पर। एक तन्हा अकेले आदमी का सबसे मुलाकात करना, मुझे आप बताइए कि ये आसान काम है? अकेला आदमी करोड़ों लोगों से एक ही वक्त में मुलाकात कर सकता है क्या, बताइए मुझे आप? बहुत से लोगों ने इम्तियाज जलील से नाराजगी का इजहार किया। मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए और उन लोगों में से जो नाराज हैं इम्तियाज जलील के हिसाब से, वो भी इस वीडियो को छोड़कर करके जाएं, मेरी बात को मुकम्मल सुन के जाएं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में मैं चंद बातें करता हूं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुलुंड टोल नाका पर। आज यहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली थी, तिरंगा रैली, जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं बल्कि एक ऐसी रैली इसलिए निकाली गई कि जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या संविधान के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सब सोचकर पब्लिक को बताया गया, एक मैसेज चलाया गया व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और सबको बुलाया गया कि आज आपको यहाँ पर जमा होना है मुंबई में। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि मुंबई में उनको परमिशन आज़ाद मैदान में नहीं मिली, इसलिए परमिशन यहाँ पर दी गई, तो पब्लिक को यहाँ पर जमा किया गया। अब यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए, कलेक्टर साहब आए, कमिश्नर साहब आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की, निवेदन दिया। निवेदन करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ लोग जो है वो नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि जब इतनी सारी पब्लिक अभी आधे से जो रास्ते में ही है वो अभी यहाँ तक पहुँची ही नहीं है, तो उनका क्या? तो चलिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकसद था आने का वो पूरा हुआ। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मामला क्या है। जी भाई, कहाँ से आए आप लोग? हम परभनी से आए, परभनी डिस्ट्रिक्ट चारठाना तालुका। तो कहाँ पर जाना था आप लोगों? कहाँ पर जाना था? चारठाना, हमको बम्बई आना था। कहाँ पर रोका गया आप लोगों? हमको यहाँ पे रोका गया थाने में। हाँ, मतलब क्या बोलकर? हमको इसलिए लाया गया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नितेश राणे और रामगिरी महाराज जो है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और जो नितेश राणे है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो उन्होंने कहा है कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमान को। इसलिए तो हम तो मैदान में खड़े हुए हैं ना, जब चाहे आ सकते हैं। आप लोग यहाँ थाने में खड़े हो तो क्या हुआ आप लोगों से? उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने आप लोगों से बात की, जो पॉइंट आप लोगों का है जिसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, क्या वो चीज़ हुई यहाँ पर कि नहीं हुई? इम्तियाज जलील साहब ने क्या निवेदन दिए, अगर से दो दिन या तीन दिन चार दिन में अगर से कार्रवाई हो सकती है तो ठीक है, अगर से नहीं हुई तो और हम आ जाएंगे और ज्यादा आएंगे और इससे ज्यादा झुंड में आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि हमको बुलाया गया था मुंबई आने के लिए, लेकिन हमको मुंबई में ना लेते हुए हमको यहीं बीच में रोक दिया गया,
ये ऐसा क्यों? बरोबर बरोबर, मुंबई जाने के वास्ते बुलाई थी। जो दूर दूर से पब्लिक आई है, मुमरा से, परभनी से, औरंगाबाद से, अहमदाबाद से, नासिक से, वो पब्लिक को क्या बोल के लाया था? आजाद मैदान जाने के। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पब्लिक को क्या बोलकर लाया गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज के लिए लाया गया वो चीज हुई है या नहीं। नहीं हुई है, हुई क्या इधर, इधर क्या हुई है? मतलब क्या था, मैसेज पहुंचना था ना, जो जिम्मेदार कलेक्टर है उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर डीसीपी तक मैसेज पहुंचने तक ये पैसे तो रील्स पे ही हो जाते, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हो जाते, इतनी पकड़ मार करने की क्या जरूरत थी फिर? हो जाता भाई, पब्लिक तो लाना था, क्योंकि जब जब तक जाम नहीं होगा तब तक उनको समझ कैसे आएगा जाम। मेरा बोलना ये है कि जो समझ में आया तो कोई एक बंदा वाहिद, कोई एक तो आ सकता था ना भाई इधर पे, स्टेज पे आ सकता था। ऐलान किया गया ना, इम्तियाज अली ने तो खुद ऐलान किया ना कि हमारी चार शर्तें हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो। लेकिन उनको यहाँ पे आना मंगता था ना, इतना शिंदे जाए। हाँ, अपना कलेक्टर साहब शायद आए थे ना यहाँ पर, कलेक्टर साहब आए, डीसीपी साहब को आना चाहिए था। हाँ, जो भी आया गया भाई, जो भी यहाँ का जो मेन है एकनाथ शिंदे है जो, उसको आना जरूरी था ना इधर उनको। आप लोग इसलिए कि वो यहाँ पर आना चाहिए था, वो आना चाहिए कि हम पब्लिक तो आ गई, लेकिन जिनकी गलती है, जिनके ऊपर एक्शन लिए, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है? पब्लिक जो दो दो दिन खाना खाए, बिना खाना खाए इधर आई है, उन लोग क्या करेगी? पब्लिक, पब्लिक तो गाली दे रही है। सारी पब्लिक गाली नहीं दे रही है, नहीं कुछ लोग है तो क्यों, उन लोग को भी तकलीफ हो रही है ना। हम जानना चाहते हैं कि तकलीफ क्या हो रही है। पब्लिक को बुलाया तुमने उधर से, वो पब्लिक यहाँ आई नहीं ना, 15,000 गाड़ी रोड पे खड़े वाली है, पब्लिक आई थी सुनने को। इनका मैसेज देने का, जो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आपको पर्टिकुलर, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उनको आजाद मैदान में बुलाया है तो पहले सारे पब्लिक वहाँ जमा होने दो, उसके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ, जो भी जिम्मेदार है उनके बाद उनको वहाँ पर बुलाओ और उनके सामने बात हो, ये इनका कहना है आप लोगों का, बराबर? पहले से यहाँ पे बंदोबस्त कर रखे है, जैमर लगा रखे है, कुछ हो ही नहीं रहा इधर, फायदा ही कुछ नहीं है आके। जो पब्लिक दूर दूर से आई है, दो दो दिन खाना नहीं खाई, लोगों की कंप्लेन ये है कि मतलब आधी पब्लिक अभी रोड पर है और मामला यहाँ पर खत्म हो गया। 90% पब्लिक अभी उठते, तकरीबन 15,000 गाड़ी उठते और उनको जहाँ आना था यहाँ पे वो नहीं आ सके, वो उधर ही रुके वाले। बराबर, हमने लाइव में आप लोगों को दिखाया कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि इम्तियाज जलील का काफिला अभी पहुंचा कहाँ है, लोगों को मालूम ही नहीं है क्योंकि अभी सारे रोड पर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी ये मुंबई हाईवे का रोड अगर आप रिटर्न जाएंगे तो न जाने कितनी गाड़ियाँ अभी भी आपको आती हुई मिलेंगी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ मामला खत्म हो गया है। उनको सबको मालूम है यही आना है, लेकिन ट्रैफिक के मसले की वजह से वो रुक गए कुछ गाड़े पीछे और उनको मालूम ही नहीं है। सुनो ना, बहुत लोग को नहीं मालूम है भाई। सुनो मेरे भाई, जब इल्तिजा जली ने बोले ना तो सब कुछ बोले कि आजाद मैदान में आने का है, 5-6 दिन पहले बोले उन्होंने कि आजाद मैदान में आजाद इसमें आने का है, लेकिन जो लोग ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके हो, बल्कि उनकी नीयत तो सबकी यही जाने ये है। समझदार भाई, वो नहीं आए चीजा तो ट्रॉफी की वजह से नहीं आए, ऐसा थोड़ी है। आजाद मैदान में गए थे आप, उन्हें आ रही है तो अभी ट्रॉफी आ गई, हम वीर जिले से आए ना तो आए ना तो कहीं से आए फिर हम, जो लोग नहीं पहुंच पाए थे उनका क्या? अरे सर, ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाए, उनको थोड़ी किसी ने रुकाया। अरे भाई, पब्लिक 24 घंटे से खाना खाए नहीं, भूखे आए वाले, एक मिनट सुनो, उनको रुकाया नहीं कि नहीं, कुछ रुकाया नहीं, उनके चलते गाड़ियां चल रही है, यहाँ तक आ नहीं सके, क्यों नहीं आ सके कि उन्होंने आधे घंटे के अंदर इनकी बात निपटा दी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब पूरी पब्लिक आ जाती उसके बाद आपको क्या देना था, आप देते और वो प्रोग्राम खत्म करते, वो ये बोल रहे हैं। एक मिनट, इनका जो बोलना है कि पब्लिक पूरे आयवा से, सर 2 दिन से पब्लिक भूखी थी, उसका ख्याल रखते हुए इल्तिजा जलील साहब ने अगर ऐलान कर दिए होंगे तो क्या पता। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक 2 दिन से भूखी है वो 2 घंटा और इंतजार कर लेती? 2 घंटा नहीं, पब्लिक तो 2 घंटे रुकने के लिए तैयार, 2 घंटा पूरी समझो, अगले आदमी मजबूरी आसान काम नहीं है, रात काली करने का, लेकिन हमको जहाँ बोल के लाया था हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुए। सभी दूर से आए, कोई नगी से नहीं आया, बीड़ी जिला कोई नगी से नहीं है, सभी दूर से आए, ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां कुछ रुक गए, इसीलिए अड़चन हो गई। ऐसा दूसरे ऐसा उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सब आना, और जब मैंने बयान किया ऐसा कुछ भी नहीं था, मजबूरी और हालात को देख के उन्होंने कर दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। 2 घंटा रुकना चाहिए था, 2 घंटा ऐसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हमको आज आने देते, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो लोग यहाँ पर पहुंच गए उनके सामने चीजें हो गई है, और किसी को कुछ वो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? गालिब का एक शायर है, सियासत नफरत का जख्म भरने ही नहीं देती, और जब भरने की बात आए तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, बड़ी गहरी बात है, सियासत है। और बेसिकली कैसा है, यहाँ पे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शायद होगा ना हो, वो अलग बात है, बात मेरे प्रॉफिट की है, आप समझो इस बात को। जैसा हिंदू भाइयों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रिय है, वैसे हमारे लिए भी प्रिय है, पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का लगा है, क्यों प्रिय है ना, दिल से है ना। छत्रपति महाराज का फोटो लगा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर्टिकुलर किसी समाज के नहीं है, वो हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं,
बेसिकली इंसानियत के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली वैसे भी मेरे प्रॉफिट मैसेंजर वो एक मैसेज, उनके दीन जो है इस्लाम जो है वो अखलाक से फैला, तलवार के नोक पे नहीं। और ये तादाद का जमा होना यही बात का सबूत है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो वो लोग ये समझेंगे लोगों की कंप्लेन जो है कि पब्लिक आगे से ज्यादा अभी रास्ते पर है, फिर भी ऐसी वो लोग यहाँ पर आए नहीं और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं है, पब्लिक को नाराजगी इस बात की है। मेरा ये कहना है कि इतना भीड़ जो जमा है ये भी डेफिनेटली भी काफी है, उनको एक मैसेज पहुंचा है कि हम लोग मरे हुए नहीं है, जिंदा है, मत करो। मेरे प्रॉफिट की जब बात आएगी तो किसी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ हो या ना हो, होगा सब एक। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भी प्रिय है ना, वैसे हमारे प्रॉफिट भी हिंदू भाइयों के लिए प्रिय होनी चाहिए। और बस कई सारे लोगों को देखा जो हिंदू भाई हमारे इस रैली में शामिल है, साथ दे रहे हो। डेफिनेटली देखो 70 साल से लड़ लिया ना, मंदिर मस्जिद फलाना ढिमका। मैं यही कहना चाहूंगा मुसलमानों को कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, जिम जाओ, वर्कआउट सब करो फाइनेंशियल। अगर तुम खूबसूरत दिखोगे सामने वाला ऐसी मर जाएगा। किसी को मारना है तो हाथ से नहीं, जबान से। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ है, तुम स्ट्रांग बन जाओ फाइनेंशियली, फाइनेंशियली स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। बोलना चाहते हैं और अब्दुल्ला क्या बात कर रहा है ये भाई, आप जो बता रहे हो ना कि पब्लिक का मसला, पब्लिक का आने में लेट हो गया या ट्रैफिक में अटक गए, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ पर आने का और एकजुट साथ में रहने का और सबको एक मैसेज देना था, हम जो यहाँ पर आए कि हम कोई पार्टी या कोई हमारा लीडर नहीं है, हम यहाँ पर आए जो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो लोगों ने बयानबाजी की है, जैसा वो राणे वगैरह हो गया, वो रामगिरी महाराज वगैरह हो गया या जो भी है, तो वो लोगों ने गलत बात की है। कोई भी आदमी को या किसी को भी कोई भी जाति या धर्म के बारे में गलत बोलना किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, पहली तो ये बात। दूसरी बात, अपना यहाँ पर जमने का मकसद ये था कि अपने को कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को निवेदन देने का। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में कुछ पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर उनसे हम लोगों ने बातचीत किए, तो दो चार पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने सपोर्ट किए और एक अच्छा मैसेज दिए, तो हमने मुंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग जमे थे, जमने का मकसद था कि निवेदन देना। अब निवेदन जब देने के लिए हम लोग आए तो उन लोगों ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, वो कलेक्टर साहब ने और कमिश्नर साहब ने, तो उनको निवेदन जब देने का हम लोग ने देने का, इम्तियाज जलील साहब बोलो या फिर वारिस पठान साहब और जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो जो मैसेज देना था वो मैसेज उनको पहुँच गया और वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि आप निवेदन दो, हम लोग लेने के लिए तैयार है। निवेदन पे एक्शन कब लेंगे इसके बारे में कुछ बोला उन्होंने? इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब अभी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से आएंगे और फिर वो एक वीडियो वायरल करेंगे। निवेदन जो है ना ये हम आज से नहीं, हम न जाने कब से देख रहे हैं, निवेदन लोग देते हैं एक्शन नहीं होता। तो एक्शन लेने के बारे में क्या बोला उन्होंने? जो इतना बड़ा मजमा है, अभी हमारी जो भी गवर्नमेंट है उनको थोड़ी समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा मजमा देख रहे हो आप, ये अमन और शांति के साथ आ रहे हैं और अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम लोग काफी दूर दूर से, अभी हम लोग लोनावला से आए तो बहुत दूर दूर से लोग पब्लिक आई, दूर दूर से लोग आए, मैं तो देखा नागपुर से भी लोग आए, अहमदनगर से भी लोग आए। तो यहाँ से अभी निकलने की वजह ये है कि यहाँ पर रुक के मतलब नहीं है, अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग को आने में लेट हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम जल्दी खत्म हो गया, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। बट अभी प्रोग्राम उन लोगों ने मैसेज एक्सेप्ट कर लिए निवेदन का, कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने, तो यहाँ पर रुक के जो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब क्यों करने का, बात समझ रहे हैं? हम नहीं कर सकते, जो जिस चीज के लिए आए थे वो काम हो गया। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट, संविधान वो बोले एक्सेप्ट करेंगे और ये जो भी देश है वो संविधान के ऊपर चलेगा। पर ये चीज अगर 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 इस पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या? तो नहीं हो गया तो अभी इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब और जो भी जो कौम के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ये गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे, आपको पता चलेगा ही कि एक्शन क्या हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अभी गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए और जो आने में सबके लिए बराबर है और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए, क्या सबका अधिकार है संविधान पे, संविधान से ही देश चलेगा। सही नहीं आ सके तो वो अपना जो मकसद था वो पूरा हो गया, उन लोगों में आने में उनको प्रॉब्लम हो गई ना, कहीं उनको नाराजगी तो होगी ना कि हम पहुंच नहीं पाए, प्रोग्राम खत्म हो गया। भाई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, उनका भी बराबर आना चाहिए था, वो लोग नहीं आ पाए, कुछ ट्रैफिक के मसले मसाइल या बहुत सारी प्रॉब्लम है। बोल रहे कि ट्रैफिक के मसले मसाइल की बात नहीं है, बात ये है कि इम्तियाज जलील साहब को रुकना चाहिए था, सबके आने का इंतजार करना चाहिए था कि वो रुक जाते हैं, सब आ जाते हैं, उसके बाद होता ये चीज, ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। इतनी भीड़ हो गई थी, रुकने जगह नहीं थे और जलील इम्तियाज जलील साहब इसलिए नहीं क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आजाद मैदान की बात हुई थी लेकिन यहाँ पर रोक दिया। जो आजाद मैदान की परमिशन दी नहीं गई, बराबर दी नहीं गई, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें करना पड़ी। तो अपना मेन मकसद था निवेदन देना, वो निवेदन उन्होंने एक्सेप्ट किया, कलेक्टर और कमिश्नर साहब ने निवेदन एक्सेप्ट कर लिए, किसी की मनमानी थोड़ी चलेंगी। वो नीतीश राणे बोलता है, वो रामगिरी महाराज बोलता है, ये ऐसे गलत लोग है, ये लोग गलत बात करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है और ये लोग खराब करने की। काफ़ी हो गई, आप समझ गए होंगे, अभी आगे चल के बहुत गुस्सा हुए हैं बहुत सारे लोग इस तरह के, इसमें जिन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन गलत बात है ये, मजबूरी समझो अगले इंसान की,
ये बल्कि अपनी खुशनसीबी समझो कि हम फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं, हम अपने हुजूर की अपने आका की नामों से रसालत के लिए आवाज़ बुलंद करने आए, आका की नामों से रसालत के लिए अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए आए यहाँ पर। फोटो तो हमारा खींचे ना खींचे, हमारा तो बल्कि हमारा तो वो अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें देखे या ना देखे, हमारे आका हमें देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह पाक हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए मेरे भाइयों, जो भी आप लोग नाराज़ हो इम्तियाज़ जलील साहब से, जो भी लोग नाराज़ हैं इतनी इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े काम किए जाते हैं ना तो बड़ी बड़ी गलतियों को भी दरगुजर किया जाता है। इस तरह नाराज़गी का इजहार गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। बंदा एक ही है, बंदे की एक आवाज़ पर सारे फ़िरका परिस्ती से हट करके हर अकीदे का इंसान एकजुट होकर के एक साथ आका की नामों से रिसालत के लिए निकला। और इस तरह के लोग देखिए, किसी एक बंदा, कोई एक बंदा इसमें ऐसा होगा जिसने इस तरह की फुसकारी मारी होगी कि ऐसा और ऐसा, वो बात फैलती चली गई। देखो और निकलते आए सामने, अगर हाँ चले गए कि सियासत कर रहे हैं, कि ऐसा कर रहे हैं, कि वैसा कर रहे हैं। मैंने शुरू में भी क्या कहा था, ये आसान काम नहीं है आज के इस दौर में और ऐसे माहौल में, ये बहुत बड़े जिगरे का काम है जो इम्तियाज़ जलील साहब ने किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक सबकी हाज़रियों को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सबके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।